हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोनू में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एप्स्यू में बीटीयू मीटर का क्या रोल है, एप्स्यू के साथ बीटीयू मीटर का कनेक्शन होने के में क्या वो काम करता है और कैसे काम करता है, और बीटीयू मीटर से ही हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारा एक्चुएटर बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वीडियो में हम डिटेल्स में बताने वाले हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो के बारे में नॉलेज है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं नॉलेज है तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारा एक अपार्टमेंट है जिसमें 3 एप्स्यू लगा हुआ है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा कितना एलएच जा रहा है, लीटर प्रति आवर जा रहा है, और एप्स्यू ऑफ करने पे या टेम्परेचर हाई करने पे वो जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो आपको अगर एक्चुएटर काम नहीं कर रहा है, अगर आप फुल टाइम सर्कुलेशन हो रहा है, तो अपार्टमेंट में जो भी बंदा होगा उसका बिल भी हाई आएगा। तो इसके लिए ये वीडियो आप देखिए, आपको बहुत कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। आपको अगर वीडियो में कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अपार्टमेंट में जो है 3 एप्स्यू लगा है, जिसका रूम टेम्परेचर 24 है और सेट पॉइंट देखिए 35 हमने रखा है। 35 रखने का मतलब एक्चुएटर पूरा क्लोज होना चाहिए। ये पहला यूनिट का हो गया, मैं दूसरा यूनिट का आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा यूनिट है जिसमें इसको भी हम 35 में रखे हुए हैं। उसके बाद हम तीसरे यूनिट को दिखाते हैं कि ये हमारा तीसरा यूनिट है जिसमें वायरिंग का इशू है, हमने इसको खोल के रखे हैं लेकिन ये ऑफ कंडीशन में है। तो अभी हमको जो बीटीयू मीटर में एलएच है वो जीरो मिलना चाहिए, लेकिन वो हमारा अभी जीरो नहीं मिल रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमारा जो एलएच देखिए आपको जा रहा है, एलएच 339 तक जा रहा है, 341 तक जा रहा है, 42 तक जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारा कोई भी एक एप्स्यू का एक्चुएटर नहीं चल रहा है, एक्चुएटर काम नहीं कर रहा है, वो ओपन कंडीशन में है, जिससे पूरा टाइम कंजप्शन हो रहा है। एसी ऑफ रहेगा तब भी ये चिल्ड वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, जिससे हमारा बिल हाई आएगा अपार्टमेंट में। इसके लिए ये इधर से हम आप चेक कर सकते हैं, ये 0-0 होना चाहिए। जब एक्चुएटर बराबर काम करेगा, जितना यूनिट है चिल्ड वाटर सर्कुलेशन क्लोज होगा, तो ये आपको 0 मिलेगा। नहीं, जब एक्चुएटर पूरा ओपन रहेगा तो इसमें रीडिंग जितना भी यूनिट है उसके हिसाब से आपको रीडिंग मिलेगा। इसमें देखिए 2 सेंसर लगा हुआ है, देखिए ये एक सेंसर इधर लगा हुआ है, एक सप्लाई में होता है और एक रिटर्न में होता है। देखिए एक सेंसर इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, तो ऐसे 2 सेंसर होता है। वो सप्लाई रिटर्न का टेम्परेचर भी बताता है, ये देखिए। ये देखिए T1 बता रहा है सप्लाई का टेम्परेचर है, ये T2 बता रहा है ये रिटर्न का टेम्परेचर है, और ये ΔT है, और ये LH है, जितना फ्लो जा रहा है वो दिखा रहा है। तो ऐसे दोस्तों चेक कर सकते हैं। अभी मैं FCU में चेक करके आपको दिखाता हूँ कि क्या इशू है और इसको कैसे रेक्टिफाई करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा FCU है, FCU लगा हुआ है, और इधर हमारा देखिए ये स्टेनर है, इसके पे मैं दिखा दे रहा हूँ, और देखिए इधर एक्चुएटर लगा है, एक्चुएटर लगा है। अंधेरा है थोड़ा, इसके लिए पूरा नहीं दिख रहा है। और देखिए हमारा ये एप्स्यू का कंट्रोल बॉक्स है, ये हमारा एप्स्यू का कंट्रोल बॉक्स है, जो ये एक्चुएटर और थर्मोस्टेट जो है 24 वोल्ट पे काम करता है। इसके लिए ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये पूरा कंट्रोल वायरिंग है। इधर देखिए ये 24 वोल्ट के लिए दिया हुआ है, और ये 10 वोल्ट कमान है, 0 to 10 वोल्ट। और इधर देखिए ये दोनों लाइन दिया हुआ है, और इधर से मेन सप्लाई आ रहा है, ये जो है मेन सप्लाई आ रहा है उधर से, वो जो स्विच दिख रहा है उधर से, ये ऐसे है। अभी मैं इसमें चेक करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊँगा कि क्या इशू था इसमें और क्या प्रॉब्लम था, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अभी देखिए, वो जो जा रहा था 300 से ऊपर, अभी हम उसको एक्चुएटर काम नहीं कर रहा था, इसका वायरिंग को हमने सही किया। अभी देखिए LNK डाल दी है, अब टेम्परेचर को हम 25 26 में डालेंगे, 26 में डालेंगे तो हमको एक्चुएटर क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी रूम टेम्परेचर 21 है। तो अभी देखिए ये क्लोज हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज में मूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्लोज हो रहा है। अगर एंटी क्लॉक में होगा तो ओपन होगा, तभी ये क्लॉकवाइज में हो रहा है
तो अभी ये एक्चुएटर क्लोज हो रहा है, तो PICB को क्लोज करेगा। अभी हम आपको B2 मीटर में दिखाते हैं कि 0-0 हो गया कि नहीं हो गया। अगर 0-0 हो गया तो हमारा एक्चुएटर सही हो गया। दूसरा अपार्टमेंट तो हम ऑलरेडी सही कर चुके हैं और इसको भी हमने सही कर दिया। तो अभी हम आपको B2 मीटर में चल के दिखाते हैं। देखिए जो हमारा एक्चुएटर का वायरिंग था वो बराबर कनेक्ट नहीं था, तो देखिए इसको हम दूसरा केबल डाल के हमने कनेक्ट कर दिया और बराबर हमने इसको फाइंड आउट करके कनेक्ट कर दिया। अभी हमारा एक्चुएटर भी चल रहा है, आपको दिखाया ही। आइए मैं B2 मीटर को आप दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा जो 3 यूनिट है इसको हम B2 मीटर में अभी दिखाते हैं कि कितना LH जा रहा है। अभी हम पूरा रूम टेम्परेचर को जो है तीनों FC को 26 में डाले हैं और रूम टेम्परेचर 22 है, तो इस टाइम में हमारा 100% एक्चुएटर को क्लोज होना चाहिए। अभी हम आपको दिखाते हैं इधर LH 0 है कि नहीं है। देखिए अभी हमारा LH 0 हो गया है, इसका मतलब हमारा एक्चुएटर अब बराबर काम कर रहा है। और सेट रूम टेम्परेचर से सेट पॉइंट को डाउन करके रखेंगे तो एक्चुएटर ओपन हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर से सेट पॉइंट को अप करके रखेंगे तो एक्चुएटर क्लोज हो जाएगा। अभी हमारा रूम टेम्परेचर 22 है और सेट पॉइंट 26 है, इसकी वजह से हमारा एक्चुएटर क्लोज है। तो देखिए फ्लो जो है LH 0 जा रहा है। ऐसे दोस्तों आपको भी ऐसे चेक कर सकते हैं और कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप SMS करके कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।